बच्चों का पसंदीदा करारा क्रिस्पी आलू के चिप्स, जो बिल्कुल ही मार्केट के जैसे हम आपको बनाकर दिखाएंगे दोस्तों, जो बहुत ही टेस्टी और बहुत ही डिलीशियस होता है। यकीन मानिए, अगर इस तरीके से आप आलू के चिप्स बनाते हैं तो बच्चे कहीं नहीं जाएंगे, बस आप ही को बनाना होगा दोस्तों। तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, ताकि हमारे ही तरह आप भी अपने घर ऐसे चिप्स बना सकें और सबको खिला सकें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज हम आपको मार्केट की तरह आज हम आपको आलू के चिप्स बनाकर दिखाएंगे। यकीन मानिए, आप अगर मेरे तरीके से चिप्स बनाते हैं आलू के, तो यकीन मानिए आप मार्केट का चिप्स खाना भूल जाएंगे। तो फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। हमने यहाँ पे प्यारे प्यारे आलू लिए हैं और आलू का मौसम आ ही गया है दोस्तों। अब बाजार में बहुत ही ज्यादा मात्रा में आलू हर जगह मिल रहे हैं, बहुत ही सस्ते आलू हो गए हैं। तो इसके लिए हमने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना दे, ताकि सब कोई इसका इसे देखे और वो अपने घर भी ऐसे वीडियो देखकर बना सके। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको आलू से बनाकर दिखाएंगे बहुत ही प्यारा प्यारा चिप्स। चिप्स सबका पसंदीदा होता है, तो आप देख सकते हैं चिप्स बनाने के लिए हमें उजली वाली आलू लेनी चाहिए, इससे चिप्स बहुत ही टेस्टी बनता है। तो सबसे पहले हम इसे अच्छे से छील लेंगे आलू को, हमें इसके परत को उतार लेना है, चारों तरफ से बिल्कुल फ्रेश आलू हमें छील लेना है। तो ऐसे ही करके दोस्तों हम सारे आलू को अच्छे से छील लेंगे, इतना टेस्टी चिप्स बनाकर दिखाएंगे दोस्तों, बिल्कुल मार्केट की जैसे चिप्स बनाएंगे। वीडियो में बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आलू को हमने कितने अच्छे तरीके से साफ कर लिए हैं। इस तरीके की आपके घर भी होगा चिप्स काटने वाला। अब हम इस पे चिप्स कट करेंगे। इस पे चिप्स कटने का मतलब है दोस्तों कि बिल्कुल मार्केट वाली चिप्स आपको मिलेगी। तो ये देखिए कितने पतले पतले चिप्स हम काट रहे हैं दोस्तों, और कितना प्यारा प्यारा। तो अब हम इस ऐसे ही करके सारे चिप्स को बिल्कुल अच्छे तरीके से कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से हमने सारे चिप्स को कट कर लिए हैं, कितने प्यारे प्यारे दिख रहे हैं दोस्तों। तो चलिए अब हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अब हम यहाँ पे कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई में हम पानी ऐड कर देंगे। अब हम इसमें चिप्स ऐड करेंगे, नमक ऐड कर देंगे दोस्तों, इससे हमारे चिप्स जो बनेगा वो थोड़ा सा चटपटा बनेगा। तो अभी ही इसे हम पानी में ऐड कर दे रहे हैं, ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। और फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, चिप्स को बिल्कुल ही दो मिनट हमें इसे अच्छे से पकाना है, ज्यादा नहीं पकाना है, नहीं तो सारा चिप्स जो है आपका टूट सकता है। इसे बिल्कुल ही 2 मिनट ही पकाना है। 2 मिनट तक अच्छे से हमने इसे पका लिया है, आप देख सकते हैं, ताकि इसका जो कच्चापन हो वो निकल जाए। अब हम इसे फटाफट एक प्लेट में निकाल लेंगे। सारे चिप्स को हमने एक प्लेट में निकाल लिया है। अब हम इसे पंखे के पास या धूप में कहीं भी आप इसे सूखने के लिए अच्छे से छोड़ दे, ताकि इसका पानी जो है अच्छे तरीके से सूख जाए, जिससे हमें चिप्स बनाने में बहुत ही आसानी होगी दोस्तों। तो वीडियो में बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो फ्रेंड्स, चिप्स हम बहुत ही टेस्टी बनाकर आपको दिखाएंगे, वीडियो में बने रहिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमने इसे अच्छे तरीके से सुखा लिए हैं। अब हम इसे फटाफट फ्राई करेंगे। ले लिए है और कढ़ाई को हम अच्छे तरीके से गर्म कर लेंगे। कढ़ाई हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें तेल ऐड कर देंगे, और तेल को बिल्कुल अच्छे से गर्म करना है दोस्तों, ध्यान रहे। तेल जब बिल्कुल ही अच्छे से गर्म होगा, तो हमारे चिप्स जो निकलेंगे वो बिल्कुल मार्केट की जैसे करारे क्रिस्पी निकलेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं तेल जो है हमारे अच्छे से गर्म हो चुके हैं। अब हम इसमें आलू के चिप्स ऐड करेंगे। ये देखिए, गर्मा गर्म तेल में हमारा चिप्स जब पड़ेगा तो बिल्कुल ही क्रिस्पी क्रिस्पी बनकर निकलेगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और कमेंट करना और दोस्तों में शेयर करना ना भूलिएगा। कमेंट्स से हमें पता चलता है दोस्तों, और एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमें पता लगे कि आप हमारे वीडियो को कितना पसंद करते हैं।
अब हम इसे उलटते पुलटते हुए बिल्कुल अच्छे तरीके से इसका फ्राई करेंगे जब तक ये बिल्कुल ही क्रिस्पी ना हो जाए। देखिए कितने लाल लाल दिख रहे हैं दोस्तों ध्यान रहे हमें इसे बिल्कुल ही हाई फ्लेम पर फ्राई करना है, तभी जाके आपके चिप्स जो बनेंगे क्रिस्पी करारे बनेंगे। तो ध्यान रहे दोस्तों, बिल्कुल मार्केट जैसे चिप्स हम आपको आज बनाकर दिखाएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। इस तरीके के चिप्स अगर आपके घर मेहमान भी आते हैं तो उन्हें बनाकर दीजिएगा, तो वो आपके तारीफ करेंगे। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल ही उजला उजला मार्केट के जैसा हमारा चिप्स बन रहा है, आप देख सकते हैं। और ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि इसे बिल्कुल बराबर उलटते पुलटते रहिए ताकि दोनों तरफ से चिप्स जो बने लाजवाब बने, नहीं तो आपका चिप्स जो है बीच में जल सकता है। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा चिप्स जो है कितना लाजवाब बनकर तैयार हो गया है। इसका हम आपको साउंड सुना दे दोस्तों, आप देख सकते हैं कितना मधुर साउंड आ रहा है, बिल्कुल करारे करारे। अब हम इसे फटाफट एक प्लेट में रखेंगे और ठंडा होने के बाद ये और भी क्रिस्पी हो जाएंगे दोस्तों। चिप्स को हम निकाल लेंगे, तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो में हम आगे आपको और भी बताएंगे दोस्तों। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अगले प्रोसेस हम बताने जा रहे हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कितने करारे क्रिस्पी हमारे आलू के चिप्स जो है फ्राई हो चुके हैं। और भी चटपटा बनाने के लिए अब हम इसमें ऐड कर देंगे चुटकी भर लाल मिर्च, थोड़ा चटपटा लगेगा दोस्तों। ये हम चाट मसाले ऐड करेंगे जिससे हमारी चिप्स जो होगी वो बहुत ही टेस्टी बनेगी दोस्तों। थोड़ा सा बस अब हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं बिल्कुल ही परफेक्ट तरीके से हमारे चिप्स जो है बनकर रेडी हो चुकी है। ये देखिए आलू की क्रिस्पी करारे चिप्स। तो अपने घर में इसे जरूर ट्राई करें और बच्चों को भी दें। दुकान से खरीदने की क्या जरूरत है दोस्तों, घर पे ही फ्रेश ऑयल में फ्रेश तरीके से बनाएं और बच्चों को खिलाएं ताकि बीमारियां से वो दूर रहे। तो कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों, इस तरीके के चिप्स बनाने में हमें कितने समय लगे हैं। और दोस्तों, आप एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और पसंद आए तो दोस्तों में इसे जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही क्रिस्पी चिप्स बने हैं आलू के। तो फ्रेंड्स, आप अंजलि को दीजिए इजाजत, फिर कल मिलेंगे नए वीडियो में नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।